शुरू हो रहे कांग्रेस के जन जागरण अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 18 सदस्यीय कंट्रोल रूम का गठन किया, साथ ही सभी जिलों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इस अभियान की सफलता के लिए कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजेश ठाकुर की अगुवाई में जन जागरण अभियान पहला बड़ा आयोजन होगा। इस अभियान की सफलता को लेकर कांग्रेस रेस है। सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सभी जिलों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग अपने प्रभार वाले जिलों में करेंगे। उत्तोलन की रूपरेखा तैयार की गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, और उसी कार्यक्रम के तहत आगामी 14 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में जन जागरण अभियान पूरा यहां जो चलने वाला है उसको लेकर के आज प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा कार्यक्रम के निमित्त की जा रही है। इन प्रभारियों के जिम्मे कार्यक्रम की सफलता और स्थानीय इकाई के साथ समन्वय बिठा करके, प्रदेश इकाई के साथ समन्वय बना करके कार्यक्रम को किस प्रकार से सफल बनाना और वहाँ के विस्तृत जो कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट का प्रतिवेदन है वो प्रदेश मुख्यालय को सुपुर्द करना। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस कार्यक्रम का खाका तैयार कर इसके संचालन के लिए 18 सदस्यीय कंट्रोल रूम का भी गठन किया है, जिसके संयोजक पूर्व मंत्री केशव महतो कमलेश बनाए गए हैं। ये कंट्रोल रूम जिलों से संपर्क कर कार्यक्रम स्थल के साथ अन्य व्यवस्था पर नजर रखेगा। इस कंट्रोल रूम में विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को जगह दी गई है। 14 से 29 नवंबर तक जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो आदेश आया था कि पूरे राज्य में जन जागरण अभियान के द्वारा महंगाई के खिलाफ जनमानस को उद्वेलित करना है, उसी के क्रम में आज सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन में वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक करके और कंट्रोल रूम की स्थापना की है। उस कंट्रोल रूम के संयोजक पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता केशव महतो कमलेश जी को बनाया गया है। कांग्रेस के देशव्यापी जन जागरण अभियान के जरिए कांग्रेस खुद को जनता से जोड़ेगी। इस 14 दिवसीय कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोई चूक नहीं चाहते, इसलिए सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर इस अभियान को बड़ी सफलता दिलाने की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।